कमेंट्स आते थे तेरी वीडियोस पे, मैंने कहा ना मुझे पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे अभी भी उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ मैं अभिषेक को, बहुत बढ़िया। मैं तो ना बीटेक करना चाहिए। बिना पैसों के भी काम करने को राजी है, वो वाली बात है। आप ये आ जाते हैं, ये कितने वाले हैं? ये 14 वाले, 14 वाले। और कितने सही रेट में गाइस, आपको शायद दिल्ली में कहीं और नहीं मिलने वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऋषिमुनि व्लॉग्स। ये हमारा मोहित भाई आज हमारे साथ है, और इधर है आरिफ। 1000 की खुशी में कुछ करने वाले हैं हम, ऋषभ भाई की कैप हटवाने वाले हैं। मेरी कैप तो हटी हुई है, बाल आ रखे भाई मेरे। ऋषभ भाई की कैप का राज आप पता चलेगा कि कैप क्यों लगाते रहते हैं, क्योंकि इनके बाल थोड़े कम है, तो आज मैं इनके बाल लगवाने वाले हैं। कैप लगाए हुए मुझे करीब 2 साल से ऊपर हो चुका है, शायद ही आप लोगों ने मुझे बिना कैप के देखा होगा। कॉलेज में ऋषभ कैप ही लगाता था, और बाकी वहाँ पे भी पूछते थे कि भाई तू कैप क्यों लगाता, तब ये बताता नहीं था। बट वैसे मुझे दिल से बुरा नहीं लगता, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। अभी हम आया उत्तम हेयर विक सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पे देखिए भाई, मुझे पता नहीं थी ये जगह, लेकिन मैं उत्तम नगर रहता हूँ, तो मैं यहाँ से गुजरा, मैंने देखा है बोर्ड वगैरह, और मैंने अंदर भैया से बात करी। भैया बड़े कमाल के इंसान है, बिल्कुल पाली फैक्ट्री है उत्तम नगर में, उसी के पास है, मेरे घर से बहुत करीब था ये, तो मैं यहीं पे आ गया। सो गाइस, आप एक बार यहाँ पैचेस की क्वालिटी देख लीजिए, यहाँ बहुत सारी वैरायटी के पैचेस हैं। तो शुरुआत 7000 से, शुरुआत 7000 से, ओके, 7000 वाली क्वालिटी है। अच्छा, ये वाले हेयर पैच होते हैं, ठीक है, लगभग साल भर चल जाते हैं, आराम से साल भर चल जाता है। हाँ जी, ठीक है, वेट वैसे तो ज्यादा नहीं है, और हल्का सा लाइट वेट आ जाता है। अच्छा, क्वालिटी हेयर की ठीक है, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं लग रही, ज्यादा स्मूथ नहीं लग रहे हैं 7000 वाली में। हाँ, थोड़ी सी स्मूथनेस कम है। हाँ जी, और फिर ये आ जाते हैं, ये कितने वाले हैं? ये 14 वाले, 14 वाले हैं, ओके, जो हम यूज करने वाले हैं। और ये एक्चुअली क्वालिटी बहुत बढ़िया लग रही है। ये बीच में ना नेट रहता है यहाँ पे, जिससे कि हवा और पानी यहाँ से पास कर जाए, और ये सिंगल सिंगल जॉइंट रहेगा एक एक हेयर का। ये सब 10 प्लस के ऊपर के आते हैं, 10 प्लस के ऊपर के, मतलब मेन जो आपके स्मूथनेस वाले हेयर है वो 10 के ऊपर के आते हैं ना। 10 से ऊपर के आप लेंगे तो क्वालिटी आपको मिल जाएगी, उसके बाद फिर आपके ऊपर है। इनकी लाइफ कितनी रहती है सर? लाइफ इसकी जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी उतनी कम होती रहती है, लगभग साल भर ये भी चल जाते हैं, एक दो महीना ऊपर नीचे होता है इसमें। अच्छा, ये टेप जो यूज कर रहे हैं नॉर्मल टेप है या फिर दूसरी है? डबल साइडेड टेप होती है, नॉर्मल डबल साइडेड जो टेप होती है भैया, ट्रांसपेरेंट टेप होती है। अच्छा, स्किन टेस्टेड होती है। अच्छा, स्किन टेस्टेड है। बस भाई, भैया को भी काम करने दे, थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। मैं तो ना बीटेक करके चलती यही करना चाहिए। अच्छा, अभी आपको पूरा स्टेप दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। अच्छा, वैसे दो तरीके से लगती है ना, एक तो क्लिपिंग सिस्टम आपका, हाँ जी, और एक आप ग्लू लगा के। हाँ जी, ग्लू से पेस्ट करते हैं। कौन सा क्लिपिंग होती है? धागे से बांधते हैं। अच्छा, धागे से बांधते हैं, तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बेस्ट चिपकाने वाला है, चिपकाने वाला बॉन्डिंग। पहले आप लाइन में आते हैं, चार उंगलियों को नाप लेके लगाते हैं। ये है लाइन होती है हमारी यहाँ पे ना। अच्छा, जो होती है ना, ज्यादा हल्का ऊपर लगाते हैं। ट्राई नहीं करी मैंने ऐसी चीज, देखते कितना सक्सेसफुल रहता है, और लुक कैसा आता है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। बड़ा ही मेजरमेंट वाला काम है यार भाई, प्रोफेशनल है भैया बिल्कुल ना, टाइम लेके अच्छे से, मजा आता है। खुजली हो जाए हाथों में। गाइस कमेंट में बताना ऋषभ का ये वाला लुक ज्यादा अच्छा है, या फिर जब इसका पैच लग जाए तब अच्छा रहेगा। इस पर अपने ग्लू वगैरह लगा दिए? नहीं नहीं, अभी तो नॉर्मल लगा के देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा भाई। बल्कि लंबे हेयर ही ज़्यादा सूट करना तुझे। जा रहे हैं हेड वॉश के लिए, चमक रहा है सर।
फल प्रोटेक्टर होता है। अच्छा, किचिंग वगैरह के लिए फंगस वगैरह कुछ ना हो, एंटीसेप्टिक होता है। लॉन्ग टाइम चलता है ये? इससे क्या होता है, इस फल पर जो किचिंग वगैरह होती है ना, अच्छा, उससे वो नहीं होती, स्कल्प के लिए होता है, एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए होता है। हाँ जी, पूरे एकदम दर से ही काटने वाले हैं। ऋषभ का फाइनली पैच लगने वाला है। अब ऋषभ तेरे को कैसा लग रहा है? ना जो कमेंट्स आते थे तेरी वीडियोस पे, मैंने कहा ना मुझे पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे अभी भी उतना फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। लेकिन बस ये चीज थी यार, मेरी फैमिली को चाहिए था, मेरी मम्मी चाहती थी कि मेरे बाल हों। बीच में एक दो बार लगा लगा के चेक करते हैं मार्किंग्स वगैरह इसकी। अच्छा, स्किन टेस्टेड होती है, ये स्किन टेस्टेड पूरा सेफ रहती है, स्किन पे सेफ रहती है, इसके बारे में गूगल वगैरह पे देख सकते हो। अच्छा, हाँ, एक बार आप ब्रांड एक बार सर्च कर सकते हो भाई, जो भी चीज करो पहले खुद रिसर्च भी करो। अभी जैसे कि मैंने देखा था अमेज़न पे 3,000 रुपए के आसपास थी सर, है ना? हाँ भाई, महंगी चीज है, इसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो ये हमेशा आती रही है, फिर सूखने के बाद स्मेल चली जाएगी? नहीं, सूखने के बाद चली जाती है। अच्छा, फंकी लुक लग रहा है। एक आंख छुपी नहीं होती थोड़ी सी? पता नहीं लग रहा है, ये अलग से लगाए हैं। नेचुरल लुक आ रहा है पूरा? बिल्कुल। साइड से तो पता भी नहीं चल रहा भाई। क्या? लुक एक नंबर, थोड़ी दाढ़ी सेट हो जाए ना। दाढ़ी ये थोड़ी दाढ़ी सेट कर देते क्या? तो गाइस, ऋषभ के बाल आ चुके हैं इसके सर पे, इन सर की बदौलत बिल्कुल असली लग रहे हैं। क्या कंडीशनर? ड्राई कंडीशनर होता है। अच्छा, ड्राई कंडीशनर, थोड़ी शाइनिंग आ जाती है, इससे धूल मिट्टी निकल जाती है, बिना वास के लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, दाढ़ी के भी कोई पैच आते हैं क्या? ऐसी तो कोई नॉलेज नहीं सर, अभी नॉलेज नहीं, पर करना पड़ेगा आपको। करवा दो यार, मेरा भी जुगाड़ कुछ। नहीं, ऐसी ठीक है ना, ऐसे में ज्यादा लोग मस्त लगते हैं। नहीं यार, नहीं आती ना जिसके नहीं आती वही तो ये बातें कहता है यार। तो आप एक बार चारों तरफ से देख लीजिए कि आप बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं सच में यार, और कहीं ना कहीं ना लगता है कि हाँ यार अच्छे बाल है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। पता भी नहीं चल रहा यार, अब तो बाल पकड़ के खींच भी सकते हैं तो निकलेंगे भी नहीं है। खींचने में कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे नहीं खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, देख लो एकदम नेचुरल यार, काम एक नंबर कमाल का। गाइस, ऐसे भी ऐसे बाल आपको भी लगवाने हैं या फिर आपके कोई नोन हो जिसके ऐसे बाल लगवाने हैं तो आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सच में यार, मतलब इतने प्रोफेशनल तरीके से सर ने कह रहा है, कमाल मजेदार, और इतने सही रेट में गाइस आपको शायद दिल्ली में कहीं और नहीं मिलने वाला।
तो मेरे हिसाब से आपको जरूर उत्तम विक सॉल्यूशन पे आना चाहिए, उत्तम नगर में ही है। और ये लहराते हुए बाल मिलेंगे आपको एक्चुअली में, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कमाल करा। और ये लाइट है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं लग रहा, शायद मैं टोपी पहनता था इसलिए भी मेरे को आदत पड़ चुकी थी, बट वैसे भी आपको एक दो दिन लगेगा उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। मस्त लग रहा है ऋषभ भाई, सही बता रहा हूँ। सर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जरूर एक बार उत्तम विक सॉल्यूशन को आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, एक बार आप जगह देख लीजिए, यहाँ पर्सनल केबिन से बना रखे भैया ने, पूरा कम्प्लीट एयर कंडीशन है और सही है, पानी वानी सब चीजों का इंतजाम है यहाँ पे प्रॉपर। जगह आपने बहुत बड़े बना रखी है। अच्छा, आप कहते हैं एक्सपैंड अभी अब करेंगे, जनकपुरी में आपकी ब्रांच थी, अब दोबारा ओपन होने वाली है थोड़े टाइम में ना? सही, वहाँ पे फीमेल के लिए भी काम है। सही है सर, तो भाई फीमेल जेंट्स जो भी आना चाहे आ सकता है दोस्तों, और कमाल का एक्सपीरियंस था सच में।